तनुमजहान शेख। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान, सबसे लंबा समय जेल के अंदर रहकर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी नगर निकाय के पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान सुबह से ही जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश के कारण मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी हुई है। वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, ये तमाम वो जिले जहां पर मौसम खराब है और जहां पर बारिश रुक रुक कर नहीं हो रही है, और उन जिलों में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लंबी लाइन जरूर लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही गोरखपुर पहुंचकर, अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। और आपको बताते चले कि अपने उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों से भी अपील की है कि भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन में दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया गया और उसके बाद वापस से मतदान शुरू हुआ। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन कई ऐसे जिले जहां पर मौसम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है और वहां पर जो है वोट प्रतिशत सुधार आई है। वहां पर लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज का ये महाकवरेज आप देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह है। तमाम वो मुद्दे लोगों के जहन में है और उन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की बात कर ली जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनात जरूर की गई है और इसी के साथ अति संवेदनशील केंद्रों पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां पर भी बकायदा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कई जगह से ये भी खबरें सामने आई कि वहां पर ईवीएम में दिक्कतें जरूर हुई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लोगों को कतारों में खड़े जरूर रहना पड़ा, लेकिन ये तकनीकी खामी जो है तुरंत प्रभाव से इसे ठीक किया गया और उसके बाद वापस से सुचारू रूप से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। ये देखिए लोकतंत्र की तस्वीरें और लोकतंत्र की ताकत देखिए कि किस तरीके बुजुर्ग लोग भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं और अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान जरूर कर रहे हैं। युवा पीढ़ी भी लगातार बढ़ चढ़कर, खासतौर पर वो युवा जो कि पहली दफा वोट देने के लिए पहुंचे, महिलाओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। महिला भी घर का कामकाज फटाफट निपटाकर मतदान केंद्रों पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अलग अलग हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अलग अलग जिलों से लगातार हमारा महाकवरेज जो है वो जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारा सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गोरखपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कुशीनगर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बहराइच की तस्वीरें हैं। गोरखपुर की तस्वीरें खास है, राज्य में यहां पर राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया जो सीएम की आई वो थी जनता से अपील। जनता से उन्होंने अपील की और उन्होंने जनता से साफ तौर पर कहा कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कौशाम्बी, फतेहपुर और कुशीनगर से भी ये तस्वीरें देखिए, बहराइच, मथुरा, आगरा और जौनपुर, लखीमपुर खीरी, स्वास्ती, लखनऊ, अमरोहा की तस्वीरें हैं। लोगों के चेहरे पे वो खुशी, वो मुस्कान भी देखने को मिली और कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जो कि लोकतंत्र को बखूबी दर्शा रही थी। ये तस्वीरें जहां पर बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अमरोहा से वो तस्वीरें देखी गई। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें, अलग अलग संभागों की तस्वीरें हैं। लोगों में गजब का उत्साह जरूर है, लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई राजनीतिक दल भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने बूथ पर पहुंचे। हमने राजनाथ सिंह की तस्वीरें देखी, किस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ बूथ पर गए और मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम की तस्वीरें देखी गई। बहराइच, मथुरा, आगरा, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, स्वास्ती, लखनऊ और अमरोहा की तस्वीरें हैं। लोगों में गजब का उत्साह जरूर है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। हालांकि 11 बजे तक की अगर बात कर ली जाए जो कि वोट प्रतिशत निकलकर सामने आई है, उसमें कई जगह ऐसे हैं जहां पर वोट प्रतिशत में कमी जरूर देखने को मिली है। चलिए तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के
चंचल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर। और ऐसे में चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 10-10 सेकेंड आपके पास है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंचल जी आपसे। चंचल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उसको बुलाओ प्रतिमा को। चलिए सीधा दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी मेरी आवाज पहुंच रही है, 10 सेकंड है आपके पास, मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी पहली प्रतिक्रिया आपकी। चलिए तो तकनीकी हमें की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीरें जहां पर प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, अरविंद जी के पास मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी, अब लगातार वोट प्रतिशत हम देख रहे हैं 11 बजे तक, कई ऐसे जिले हैं जहां पर वोट प्रतिशत में कमी जरूर देखने को मिली, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी, 10 सेकंड आपके पास। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की आप ये नगर निकाय के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एक उदासीनता भी आमतौर पर देखी जाती है, तो यह कहीं ना कहीं जो है रेखांकित करता है कि चुनाव को लेकर के एक एक हालांकि शासन प्रशासन द्वारा या तमाम स्वयंसेवी जो संगठन है या राजनीतिक दलों द्वारा कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक जो है मतदाता बूथ पर पहुंचे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कई दिनों से लगातार राजनीतिक तैयारियां भी कर रहे हैं, तो जनता की भी एक एक जो है भागीदारी महत्वपूर्ण होने के लिए उनको चाहिए कि नहीं जो है बूथ पर पहुंचे। जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आप तक पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अमरोहा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो ये बड़ी खबर लगातार इंडिया न्यूज पर आप सुबह से ही महा कवरेज देख रहे हैं। तो अमरोहा से खबर है, फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव की घटना सामने आई। अमरोहा से ये खबर है, दर्जन भर से ज्यादा लोग पथराव में जख्मी हो चुके हैं। तो अमरोहा से ये खबर आ रही है जहां पर पथराव की स्थिति पैदा हुई है निकाय चुनाव में, और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीरें है, फर्जी वोटिंग को लेकर ये पथराव, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्वक वहां पर बनी हुई है। अमरोहा की तस्वीरें निकलकर सामने, पुलिस प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। अमरोहा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बूथ पर जो है हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी जगह है, कई ऐसे बूथ है जहां से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये अमरोहा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है, और थाना गजरोल का ये पूरा मामला है, मारपीट की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। अमरोहा से ये सीधी तस्वीरें आपको तक हम पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बूथ पर जो है हंगामा हुआ है, उसके बाद लोगों का वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस मारपीट में दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए, दर्जन भर से ज्यादा, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें अमरोहा के थाना गजरोला की, यह पूरा मामला बताया जा रहा है, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। अमरोहा का ये पूरा मामला है, दर्जन भर से ज्यादा लोग पथराव में जख्मी हुए हैं, और ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट की लाइव तस्वीरें आप अपने फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमरोहा की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे तमाम किए गए थे कि इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे बूथ है जहां पर मारपीट और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें हमने अब सुबह से ही देखी है। 7 बजे से हालांकि मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद, अलर्ट होने के बावजूद ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे किए थे, अलर्ट मोड पर भी थी, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला गजरोला
थाना क्षेत्र में एक बूथ पड़ता है वहां का है, और इस दौरान जब मतदान हो रहा था तो सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि ये फर्जी वोटिंग करा रहे थे, और जब इस बात का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों ने वहां पर विरोध करा, इस दौरान पत्थरबाजी हुई है जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, और इस दौरान दर्जन भर लोग जो है घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और जो भी लोग आरोपी हैं उन पर जो है जल्द कार्रवाई होनी भी संभव है। और ऐसे में वजह क्या निकल कर सामने आई है अरुण? देखिए वजह यह है कि सुबह से मतदान चल रहा था, तो क्योंकि अमरोहा में पोस्टर बैलेट के साथ वोटिंग हो रही है तो मतदान भी थोड़ा स्लो चल रहा था। अब जब आला अधिकारी वहां पे वोटर की पूरी पड़ताल कर रहे थे, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुरके में आ रही थी, जब उनसे पूरा आधार कार्ड उनके आईडी वगैरह का पूछा जा रहा, तो जब इसी बात पर जो है सपा और बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है नाराजगी जताई और प्रशासन पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए, और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे नोकझोंक हुई, और उसके बाद ये पूरी नोकझोंक जो है पत्थरबाजी में बदल गई, जिसकी आप वीडियो आप सीधा देख सकते हैं। अरुण जानकारी ये भी दीजिएगा, क्या इस दरमियान अधिकारियों के कोई बयान सामने आ पाए हैं? देखिए फिलहाल इस वाले अभी तक मामले पर आला अधिकारी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, हालांकि उनसे अगर संपर्क करने का प्रयास किया तो वो भी मौके पर है, जल्दी उनकी तरफ से आधिकारिक बयान सामने आने वाला है, उसके बाद ही जो पूरी वजह है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगी। ठीक अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, दीपक सोनकर, चंचल शर्मा, सुधांशु वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन 10-10 सेकंड आपके पास है, दीपक जी अपनी बात रखिएगा। फिलहाल चुनाव चल रहा है और मतदान जो है लगातार लोग जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से जारी है, 10 सेकंड आपके पास क्या कहेंगे? अब देखिए जिस तरीके से लोगों के अंदर तो दिख रहा है जिस तरीके से, मगर कहीं ना कहीं बारिश के कारण से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, मगर जो मतदाता अपने विश्वास के लिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा, जिस तरीके से लोकतंत्र के महोत्सव को, एक महान पर्व को, अपने मताधिकार को प्रयोग करें और जिस तरीके से ज्यादा संख्या में निकल करके वोटिंग करें। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसके साथ लोग विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने देखा है कि जो 2012 से 17 तक क्या कार्यकाल था, किस तरीके से सरकार ने गरीब जनता को और योजनाओं को जोड़ने से कितना काम करने का काम किया, और 17 के बाद 23 तक क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हुए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुए, कितने गरीब कल्याण की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया, ये सबके सामने है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक ठीक दीपक जी, आऊंगी आपके पास, चर्चा भी हम करेंगे। चंचल जी आपके पास भी 10 सेकंड है, जवाब रखिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बारिश हुई है, ये पूरा नगर निगम का जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन सरकार है, नगर निगम है, ट्रिपल इंजन का है, सब धराशायी हो गया है, नगर निगम ही नरक निगम बना के रख दिया है इन लोगों। ऐसा लखनऊ में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई रोड नहीं जहां पे जो है जमावड़े ना हो पानी के। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज के समय में नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, ऐसा कोई रोड नहीं, रोडों में गड्ढे ना हो, इस बरसात ने दिखा दिया नगर निगम। ठीक है चंचल जी, उस पर भी हम बात कर लेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। सीधा मैं सुधांशु जी का रुख कर लेती हूँ। चुनाव यहाँ पर लगातार मतदान जारी है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, 20 सेकंड आपके पास। देखिए चुनाव जारी है और जनता लगातार देख रही है कि सरकार से जनता बेहद नाराज है, और नगर निगमों में भी जिस तरीके का, जहां भी भाजपा रही है, अधिकांश जगह देखिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, लूट है, काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, इमोशनली ब्लैकमेल करने की जो कला है भाजपा की, उनको लगता है कि वोट उसी के नाम पर पा जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक सुधांशु जी इस पे आगे बात करेंगे हम। ठीक है अरविंद जी का सवाल, अरविंद जी आपके पास भी 10 सेकंड है। देखिए लगभग जो है 37 जिलों के 10 नगर निगमों पे चुनाव हो रहा है, अगर इसका आप देखेंगे तो सभी पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा को गढ़ बचाने की अपनी चुनौती है, वही विपक्ष को जो है इन इसमें सिद्धमारी की है। यानी सबसे बड़ी चीज यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मान के चल रहे हैं कि इसका जो मतदान का जो परिणाम आएगा कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक परसेप्शन गढ़ने में काम आएगा। यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, जिस तरह से योगी जी जो है लगभग 37 जिलों में जो है 37 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, 22 जिलों में अपना जिस तरह प्रचार धुआंधार किया है,
उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। लेकिन बहुत ये हास्यास्पद स्थिति है कि जो विपक्ष जो है उस तरीके से जो है आक्रामक तरीके से प्रचार करते हुए नहीं दिख रहा है। अब अखिलेश जी को देखिए, महज 3 नगर निगम के चुनाव में जो है वह जो है उनकी भागीदारी रही, प्रचार करने गए, बाकी विपक्ष जो बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उस ढंग से उसका प्रचार देखने को नहीं मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है उनकी एक रणनीति में कमी है, उनके पास जो या कह सकते हैं कि ठीक ठीक अर्जुन जी, इसका जवाब नहीं लेते हैं, हम इसका जवाब नहीं लेते, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधा मैं दीपक जी का रुख कर ले, तो दीपक जी, शिवपाल यादव का बयान सामने आता है जिसमें शिवपाल यादव कहते हैं कि अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ेगी? वो निश्चित तौर पर वो ठीक कह रहे हैं हमारे आदरणीय शिवपाल जी की रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। रिकॉर्ड हमने 2012 में भी देखा था, रिकॉर्ड हमने 2017 में भी देखा था और रिकॉर्ड हम 2023 में भी देखने वाले हैं। जो नगर निगमों के चुनाव है, नगर निगम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, आप उदाहरण देख लीजिए, 2012 के अंदर जब 14 सीटें थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें नगर निगम में जीतने का हासिल करने का काम किया, जनता का आशीर्वाद हासिल करने का काम किया। वही 2017 में जब 16 सीटें थी तो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और जिस तरीके से लगातार हमने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करना और उसको योजना से जोड़ना और जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दीपक जी, लेकिन शिवपाल यादव का कहना ये रहा है कि इस बार ये जितनी भी सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के हक में जाएगी। अब देखिए, अब मुंगेरी लाल के सपने देखना तो अच्छी बात है, सबको देखना चाहिए, मैं के लिए रोकने नहीं, लोकतंत्र है, सभी अपने मन की बात को रख सकते हैं, मगर भाव कहाँ है। अगर यहाँ 2012 में बताएं शिवपाल जी की कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, हमारे चंचल भाई बताएं 2017 में बताएं कि नगर निगम की कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, तो ये जो उदाहरण है वो प्रैक्टिकल पर उतरेगा। और दूसरी बात तो ये है कि जनता आज परफॉर्मेंस पर तय करती है, जनता काम के आधार पर तय करती है, जनता विकास की योजना के आधार पर तय करती है, जनता जब वोटिंग करने जा रही है, जनता जनार्दन। लेकिन विपक्ष कहती है दीपक जी, विपक्ष कहती है कि बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतरना पड़ा और यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार भी करते हुए दिखाई दिए। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा पार्टी है जो लगातार 365 दिन और 12 महीने जनता के बीच में काम करती है, जनता की समस्या के समाधान के लिए काम करती है। दूसरी बात, यहाँ चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाते हैं, एक लोकतंत्र के एक हिस्से और उसके महोत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उस चुनाव में भूमिका होती है, उसका काम होता है, उसका दायित्व होता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निर्वहन करने के लिए एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, चंचल जी के पास चलती हूँ, सीधा रुख करती हूँ। चंचल जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि इस बार जो है इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का साइकिल पंचर होने वाला है और ये तय माना जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है पूरा दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी कि समाजवादी पार्टी बहुत लेट मैदान में उतरी है चुनाव प्रचार में। क्या लगता है, आप लोग पहले से बिल्कुल आश्वस्त थे कि हाँ भाई जीत हमारी होगी, इसीलिए आप लोग मैदान में नहीं उतरे, इसीलिए अखिलेश यादव ने जरा देरी कर दी? सबसे बड़ी बात, आप दीपक भाई ने अपनी बातों में अपना जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 365 दिन चुनाव प्रचार में रहती है। आप बताओ कि ये दीपक जी, अब सुन लेते, दीपक जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी दीपक जी, पूरा वक्त दिया गया, सुन लेते आऊंगी आपके पास, आऊंगी। जनता के सरोकारों से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं, इन्होंने वादे किया कि हर दीपावली में, हर होली में आपको साल भर में 3 सिलेंडर देंगे, अभी यही वादा एक कर्नाटक में कर रहे हैं। तो जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। पूछा जाए कि आप बताओ, एक दो दो दीपावली बीत गई, दो दो होलियां होली बीत गई, आपने किसको गैस सिलेंडर फ्री दिया, कहीं कुछ नहीं। किसानों की आपने बिजली मुक्त करने की बात कही, कहीं कुछ नहीं। केवल चुनाव प्रचार, एन केन प्रक्रेन, केवल सत्ता चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं को ताक पे रख करके, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके आज इतना सरकारी जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तभी तो जनता आपको वोट देगी। अच्छा तरन्नुम जी, एक चीज बताइए, ये गांव गांव गली गली मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, क्या उस लेवल का चुनाव है ये? गली गली में जाकर के, अरे आप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश की व्यवस्था संभल ले, दीपक जी सुन लेते जवाब लेंगे। आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, कोई ऐसा जिला बता दो जहां आए दिन घटनाएं ना हो रही हो, आए दिन अराजकता ना फैल रही हो,
सरकार जाति के आधार पर के कार्रवाई कर रही है, धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मैं कहता हूं कि सरकार का दोहरा चरित्र है और बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी प्रयागराज जी बहुत सीधा सवाल था, शिवपाल यादव ने कहा कि पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े, सुन लीजिए, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। किस आधार पर उन्होंने कहा, उनकी इस बयान को किस नजर में देखा जाए? क्योंकि अब तक अगर पिछले आंकड़ों की हम बात कर ले, अब तक के तमाम रिकॉर्ड की बात करें, तो वो रिकॉर्ड कुछ और ही कह रहे हैं। हेलो जी, जी आपकी आवाज आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात आज के समय में भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला आदरणीय मुख्यमंत्री प्रयागराज भी गए थे, उन्होंने बोला कि प्रकृति न्याय करती है। आप बताओ अगर प्रकृति को ही न्याय करना है तो आपकी हमारी संवैधानिक संस्थाएं और आप किस लिए हो? फिर प्रकृति के ऊपर छोड़ दे सब कुछ हम लोग। कोई आदमी गुंडागर्दी करे उससे कह दें कि तुम प्रकृति तुम्हारा न्याय करेगी, ये कोई जवाब है? मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं, इस तरीके से शब्द आते हैं, इस तरीके से बयानबाजी आती है, और यहाँ पे तो इनके यहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक और झूठ बोलने में लोग माहिर है, अगर आप देखिए पूरे प्रदेश के बस से बदतर हालात है कि नहीं है? आप बताओ 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 रुपए में जनता खरीद रही है। चंचल जी इसका जवाब तो ले लेंगे, चंचल जी इसका जवाब हम दीपक जी से ले लेंगे, लेकिन आप बताइए ना, शिवपाल यादव ने जो कहा, शिवपाल यादव ने जो कहा, चंचल जी जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए ना, कि यहाँ पर शिवपाल यादव ने कहा कि पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे, 2017 के हमने रिकॉर्ड देखे, उससे पहले 2012 का भी हमने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड कुछ और बता रहे ना चंचल जी, और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ। निश्चित तौर से आप देखेंगे रिकॉर्ड टूटेगा, उसका कारण ये रहा है कि शहरों में बीजेपी का कब्जा रहा है और ये नगर निकाय के चुनाव में जो महानगर हैं, बाकी हम लोग जो टाउन एरिया से लेकर नगर पालिका से लेकर हम लोग जीतते हैं नगर पंचायत नगर पालिका। और आप देखिए आप, लेकिन इस बार जो 17 हमारे नगर निगम है, इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और बस से बदतर हारने जा रही है। समाजवादी पार्टी 17 की 17 सीटें जो है देखेंगे आप चुनाव जीतने का काम, मतलब सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। कारण उसका है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में, सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल है। पिछले रिकॉर्ड मत जाइए, आप पिछले रिकॉर्ड मत जाइए, लेकिन आज ठीक है चंचल जी इसका जवाब ले लेंगे, इसका जवाब हम ले लेंगे। सीधा मैं रुक कर लेती हूँ सुधांशु जी का। सुधांशु जी, जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस पर जो है लगातार विपक्ष और जो सत्ता पार्टी है वो भी सवाल खड़े कर रही है कि प्रियंका गांधी गायब है, 10 महीने हो चुके हैं, यूपी में वो नजर नहीं, निकाय चुनाव रहा 2024 से पहले, इस चुनाव को फाइनल के तौर, सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो कतार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। फाइनल बता रहे हैं वो, कुछ भी बता सकते हैं वो, तो गली मोहल्ले के चुनाव को सेमीफाइनल कर दूं। इस देश की बड़ी आबादी ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी की उपेक्षा करके जो लोग इसे सेमीफाइनल बता रहे, मेरे लिए सेमीफाइनल कहीं से नहीं है। नगर का चुनाव है, नगर के लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे और मुझे मालूम है जागरूक लोग हैं और भाजपा को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ लखनऊ से ही अगर उदाहरण लीजिए, 30 सालों के बावजूद लखनऊ में कुछ नहीं हुआ। तो जनता समझ रही है कि केवल ये सब सपने दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो समझ चुके हैं। कर्नाटक से जो बातें आ रही है वो बहुत क्लियर है, ये देश जाग रहा है, देश समझ रहा है, और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में भी यही होगा। और लोग ये से सेमीफाइनल मानने की भूल न करें, 2024 में जनता बताएगी कि सेमीफाइनल और फाइनल क्या होता है। 2024 में भाजपा फूल चाटने वाली है। और रही प्रियंका जी की बात, प्रियंका जी राष्ट्रीय नेता है, तो देश भर में जहां चुनाव होती है वहां जाती है। अब ये लोग, अब और हम लोगों का मानना है कि जिस भाई नगर का चुनाव नगर के लोगों द्वारा होता है, उसमें बहुत इस लेवल पर मुख्यमंत्री वो डिप्टी से सीएम सब टहल रहे हैं, लगता है कोई काम ही नहीं है। इन लोगों ने सरकार को केवल चुनाव प्रचार मशीनरी बना दिया है, जनता के हित अनहित से इनका कोई लेना देना नहीं, केवल चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य है, जैसा भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे। सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पार्टी जब जनता के बीच जाती है, पार्टी जब जनता के बीच जाती है, अपनी योजनाओं को रखती है, और यही तो कारण है कि जनता भी उनको चुनती है। फिर जनता वोट, अरे जनता वोट किस लिए दी है? काम करने के लिए, कि गली मोहल्ले और विदेश टहलने के लिए? कभी प्रोग्राम बनाएंगे, कहेंगे विदेश में हम निवेश लेने जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के भाजपा के नेताओं का काम है टहलना, काम से कोई लेना देना, गली मोहल्ले से लेकर विदेश तक टहलने काम दे दो। यानी कि हम ये मान लें, सुधांशु जी, यानी कि हम ये मान लें कि कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, उससे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हम मतलब हमारा ये पूरा प्रयास है और इसको लेकर हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। बस भाजपा
को लेकर जनता समझ चुकी है, उसका जवाब निश्चित तौर पर देगी और इस सेमीफाइनल और फाइनल की बतौलेबाजी बंद कर, मुझे लगता है कि भाजपा सरकार पूरी बतौलेबाज सरकार होगी जिसका काम से कोई लेना देना नहीं, केवल बकवास से लेना देना है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है जवाब ले लेते हैं। दीपक जी जवाब दीजिएगा, आप लोग सिर्फ घूमते फिरते हैं, जनता के बीच जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोग का काम नहीं दिखता है। देखिए पहले तो चवंदन जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आ रही है, किस तरीके से लगातार इस चुनाव के माध्यम से जनता जनार्दन का अपमान किया जा रहा है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, ये बार बार एक शब्द आ रहा है गली मोहल्ले का चुनाव, गली मोहल्ले का चुनाव, गली मोहल्ले में लोग घूम रहे। अरे मेरे भाई उन गलियों में भी तो जनता रहती है, उन गलियों में भी तो जनता की काम, ग्रामीण समाज जनता नहीं आता है। आप सुधांशु जी सुन लेते हैं, सुधांशु जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुधांशु जी सुन लो, शहर नहीं जनता है। बड़े भाई सुन लो पहले, प्रधानी के चुनाव में फिर क्यों नहीं गए थे सीएम, प्रधानी के भी चुनाव में जनता तो ये वो प्रधानी प्रधानी में जनता नहीं, जनता ने आपको नगर गाँव में जनता नहीं रहती, गाँव में कीड़े मकोड़े रहते हैं। सुधांशु जी सुधांशु जी सुन लेते हैं, आऊंगी आऊंगी सुधांशु जी, बहुत वक्त है हमारे पास, आऊंगी आपको भी सुना जाएगा, सुधांशु जी आपको भी सुना जाएगा, सुन लो सुन लो, सुधांशु जी सुन लेते हैं एक बार, सुधांशु जी सुन लेते हैं, सुधांशु जी जब आपको मौका मिलेगा आप अपनी बात रखिएगा, दीपक जी को सुनते हैं, दीपक जी को सुनते हैं, सुधांशु जी जनता समझ में आ रही ना, टीवी चैनल पर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे बताइए गांव में जनता नहीं होती है, पहले क्लियर कर गांव में जनता होती है नहीं, फिर प्रधानी के चुनाव में आप क्यों नहीं जाते। मैं तो हर गली मोहल्ले में रहने वाले, पहले बताइए गांव में जनता होती है नहीं, हर गली मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति को भी जनता मानता हूँ और जनता जनार्दन जहाँ है। अरे गांव के लोगों को मानते हैं तो आप भी फिर सेमीफाइनल, अरे दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल ठीक है सुधांशु जी आऊंगी आपके पास आऊंगी। चलिए अरविंद जी आप अपना जवाब रखिएगा, आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, अरविंद जी जवाब रखिए। हाँ तरुणम जी देखिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव के अपने निहितार्थ होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, 1971 में त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, 6 महीने के दरमियान उनका चुना जाना सुनिश्चित था। गोरखपुर में ही मणिराम सीट खाली हुई थी, वहां पे उपचुनाव हुआ, वह प्रचार करने इसलिए नहीं गए कि वह कि हम मुख्यमंत्री हैं, बिना हमारे गए ही वो हम चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने वहां पत्रकार जो है रामकृष्ण द्विवेदी को चुनाव लड़ा दिया और उस पत्रकार ने जो है वर्तमान मुख्यमंत्री को पूरी बुरी तरह से हरा दिया और इसके बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश में वापसी कर गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी चुनाव को, चाहे गली मोहल्ले का चुनाव हो, शहर का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा, आप हल्के में नहीं ले सकते। और दूसरी चीज यह कि लोग किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जितना ही पैरामीटर होता है और समंदर के कानून जहाजे तय नहीं करते हैं, भारत की जो जनता है वो तय करेगी कि किस राजनीतिक दल को जो है हम सत्ता में बिठाए और किसको उखाड़ फेंके। तो मेरा मानना है कि हर चुनाव बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, और यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बात की कि हर एक चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। मैं आऊंगी आप लोग के पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और अब तक अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर ले तो वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। लगातार ये महा कवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हो और वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है, आपको बता दें कि देवबंद में दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है, हालांकि पहले आंकड़े बेहद कम थे। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 24.84% मतदान हुए हैं, वाराणसी की बात की जाए तो 24.05% हुई है, प्रयागराज में 1 बजे तक 31.24% वोटिंग हुई है और कौशाम्बी में 1 बजे तक 34.31% मतदान हुआ है, प्रतापगढ़ में 1 बजे तक 31.44% मतदान हुआ है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हालांकि सुबह की अगर हम बात कर ली जाए तो बहुत शुरुआती दौर में आंकड़े बेहद कम थे और ऐसे में आपको बता दें कि अब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी जनता से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकले, लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। कौशाम्बी में 1 बजे तक 34.31% वोटिंग हुई है। चलिए तो हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है, सीधा मैं सुधांशु जी का रुख कर लेती हूं। सुधांशु जी अपनी बात रखिएगा। विश्लेषण ठीक है लेकिन नगर निगम के चुनावों को सेमीफाइनल कह दें तो खुले तौर पे भाजपा की किस पे ले जाने का मामला है। केवल नगरों से देश तय नहीं होता है, देश में 75% आबादी गांव की है और
फिर जिस तरीके से आमतौर पर निकाय चुनावों का करैक्टर देखा गया है वो सरकार की ओर झुके होते हैं, जो पुलिस प्रशासन पूरी और बेईमानी करने में भाजपा वालों का तो कोई सानी नहीं है। पिछले पंचायत चुनाव में सबने देखा कहीं पर्चे छीन लिए गए, लेकिन सुधांशु जी इस पर भी तो दोहराया नहीं है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर सीरियस नजर नहीं आई। विपक्ष तो यही कह रहा है कि कांग्रेस सीरियस ही नहीं है इस चुनाव को लेकर। सीरियस है कांग्रेस? देखिए चुनाव में क्या है, अब देखिए सीरियस तब हो जब पर्चा छीना जाए, किसी प्रत्याशी को पर्चा भरने नहीं दिया जाए, ये सीरियसनेस है, तब तो क्षमा करें। सीरियस होने का मतलब यह है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता से आशीर्वाद मांगिए, वो बराबर आपके पार्टी के बड़े चेहरे सब कहा है, बड़े चेहरे कहा है सुधांशु जी, बड़े चेहरे कहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार वो चुनाव में जाते हैं और क्या चाहते हैं, ये गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों को वोटर नहीं मान रहे। अरे आप तो बोलिए ना, आप लोग तो चंचल जी जवाब रखिएगा, चंचल जी क्या समाजवादी पार्टी भी इसे छोटा चुनाव मान रही है? पहले चंचल जी क्या समाजवादी पार्टी भी इसे छोटा चुनाव मान रही है? सुन लेते एक एक करके, एक एक करके दीपक जी आओगे, सुधांशु जी आओगे, चंचल जी को सुनते हैं। चंचल जी क्या समाजवादी पार्टी भी इसे छोटा चुनाव मान रही है? इसमें क्या चुनाव को अंदर है जनता के बीच में चलेगी, आप हैसियत आप मत बताइए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी इतना मत पगलाइए, हैसियत वहां जनता सबकी बता देती है, अभी 10 साल भी नहीं हुआ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इन लोगों को शांत करने से ठीक है। सुधांशु जी सुन लेते हैं, सुधांशु जी सुन लेते हैं, चंचल जी जवाब रखिएगा, क्या समाजवादी पार्टी भी इसे छोटा चुनाव मान रही है कांग्रेस की तरह? समाजवादी पार्टी चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव मान के चल रही है। अगर आपने देखा पूरे प्रदेश में हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ, हमारे बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कई सारी रैलियां किए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो भी लोग ये लोग वादे करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी वादे थे, क्या कोई वादा पूरा हो पाया है? जो आप जो ट्रिपल इंजन इनका है, इसी लखनऊ और आप प्रयागराज, अगर आप देखें लखनऊ के अंदर समाजवादियों ने और प्रयागराज के अंदर, कानपुर के अंदर जितने बड़े शहर थे हमारे, बड़े बड़े महानगर, वहां बड़े बड़े काम किए। अगर आप लखनऊ के अंदर देखें, जेपीएनआईसी के बहुत हाईटेक बिल्डिंग बनाने का काम किया, आप आगे बढ़ेंगे पूरे हिंदुस्तान, पूरे एशिया से बड़ा जनसर मिश्रा पार्क बनाया, लोक भवन बनाया जिस आदरणीय मुख्यमंत्री बैठते हैं, बगल में आपका गोमती रिवरफ्रंट बनाया, अमौसी से लेकर म्युनिसिपल तक मेट्रो बनाई, एक भी पिलर भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, चाहे आपका एससीएल का कैंपस हो, चाहे आपका सानियावत के नाम के प्लासियो मॉल बना, आप मैदानता आपका आया, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, और मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े काम। तरन्नुम जी मैं अगर बोलने लगूंगा कम से कम 10 मिनट मुझे समय और चाहिए बोलने के लिए, ये इतने सारे प्लेट पे काम किए मैं, लेकिन चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, दीपक भाई अंतरात्मा की आवाज या जो प्रत्यक्ष अगर देख ले, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, कहीं 50 बेड का अस्पताल बताया तो बता दें। इसी आपने देखा चकगजरिया सिटी बनाई, प्रयागराज के अंदर सरस्वती हाईटेक सिटी बनाई, कानपुर के अंदर ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया, आपने देखा होगा सिद्धार्थनगर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, आपने देखा होगा प्रयागराज के अंदर आपका विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, आपने दूसरा विश्वविद्यालय, और पूरे और आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी महानगर हमारे थे, डेवलपमेंट की एक रूपरेखा रखी, हाईटेक शहर बनाने का काम किया। आज गांव गांव पुलिस दौड़ती है 100, आज एक हमारी बहन के साथ कोई घटना घटती है तो वुमेन पावर लाइन घर बैठे पुलिस को फोन करती है, सारा का सारा काम हो जाता है समाजवादियों की देने। ये जुमलेबाज लोग हैं, केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, केवल और केवल जो है जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जो भी वादे करके आए, बहुत हुई महंगाई की मार, आप मुझे बताओ गैस सिलेंडर का दाम क्या है आज? शर्मनीय आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अरे पहले क्या बोलते तब क्या बोलते हो, लेकिन इनके झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप डीजल पेट्रोल के आप दाम देख लो, कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे की फीस को लेकर के परेशान नहीं है? दर्द इनके भी हैं, लेकिन ये व्यक्त नहीं करना चाहते क्योंकि बैठे हैं सत्ता में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है दीपक जी, जवाब रखिएगा, दीपक जी जवाब रखिएगा कि आप लोग काम नहीं करते। हालांकि कुछ तस्वीरें हमने भी देखी कि वहां पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें भी हुई हैं। देखिए चंचल भाई, हमारे भाई हैं, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बताया कि हम ये लेकर के आए, हम वो लेकर के आए, हमने ये किया, ये बताना भूल गए कि ये चकिया की गलियों से रोज तांगे वाला के लड़के को भी लेकर के आए और उसको क्या बनाया इन्होंने, उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी बना दिया। ये मुख्तार अंसारी का बेटा
उसको लेकर के आए, उसको क्या कहते हैं चुनाव में बीच में ये ब्रजेश्वर सिंह कौन है? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं वो ठीक बात है, मतलब ये क्या चाहते हैं? मैंने बोला कि आप काम बताओ, पूरी पूरी भाजपा सरकार इनको बचाने के लिए लगी हुई है। एक वक्त पे एक इंसान बोले, एक वक्त पे एक इंसान बोले, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। चंचल जी सुनते हैं ना, दीपक जी बात रखिए। मैंने 35 मुकदमे हैं, पूरी सरकार बचा रही है, पूरी सरकार आचार की नींद न लगने के बावजूद गिरफ्तार कर वो क्या है लेकर के बड़े बड़े घोटाले। अरे ये कहिए हिमांशु जी, हिमांशु जी आप लोग को कोई नहीं सुन पा रहा, आप सभी का ऑडियो डाउन है, आप सभी का ऑडियो डाउन है, कोई नहीं सुन पा रहा आप लोगों को। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। दीपक जी अपनी बात रखिएगा। देखिए ये 50 बेड की बात कर रहे थे, आप बरेली में आइए चंचल भाई, मैं आपको 100 बेड का एक बढ़िया हॉस्पिटल दिखवाऊंगा, अब मैं आपको स्वागत करूंगा। आप आइए बड़े मेडिकल कॉलेज में आपको घुमाऊंगा, आप आइए बरेली के अंदर, मैं आपको डिजिटल पार्क के अंदर भी घुमा दूंगा। आप आइए बरेली के अंदर। दीपक जी आप लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर स्मार्ट सिटी की हकीकत कुछ और है। दीपक जी मैं वही आ रहा हूँ, मैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिस तरीके से आज पार्कों का डेवलपमेंट किया गया, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर जब लोग सुबह वॉकिंग पर टहलने जाते हैं तो अपने योगा सेट के अलग से वहाँ योगा करते हैं, जिम और व्यायाम की व्यवस्था भी वहाँ की गई। जिस तरीके से लोग सुनिए, आपको भी पूरा वक्त मिला था चंचल जी, पूरा वक्त दिया गया था आपको, सुन लेते हैं। जब आप अपने घर से निकलोगे सुबह जब जाओगे पार्क में चंचल भाई तो दिखाई देगा आपको, जब दिखाई देगा जब आप अपनी एसी कारों से उतर करके निकलोगे कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जा रही है। दीपक जी बहुत ऐसे जिले हैं, झांसी की अगर बात कर ली जाए वहाँ पर लोग पानी को लेकर तरस रहे, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की समस्याएं जो है वो देखी गई है। देखिए तरुण जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं रहती है, मैं उनसे डिनाई नहीं कर रहा, मगर हाँ उन समस्याओं का समाधान कितनी तेजी गति से करा जाता है। आज जब जल भराव की बात हम करते हैं, हमने भी देखा है पूरा प्रदेश किस तरीके से था, आज किस तरीके से गतिशील करके जल भराव। दीपक जी आप गति की बात कर रहे हैं, लोग लंबे वक्त से परेशान चल रहे थे, लोगों ने कई बार कहा कि अधिकारियों को यहाँ पर पत्र भेजा गया, ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। देखिये मैं खुद उदाहरण दूं स्वयं का, मैं कई ऐसे स्थान थे जहाँ जल भराव होता था, वहाँ आज जल भराव को निकासी देने का काम किया गया, जहाँ बड़े बड़े नाले बना करके किस तरीके से पानी का निकास हो, जो जल भराव की समस्या मेन समस्या उसको कैसे समाधान किया जाए। और कभी कभी इस तरीके से होता है, हमने भी पिछली बार देखा था, इतनी बड़ी आपदा थी, इतनी बड़ी बारिश के साथ में जब इतनी बड़ी बारिश होगी तो ये तो कुदरत की कहर, तो कुदरत की कहर से कैसे हमें उसको समझाना है, कैसे उससे निवार पाना है, इसको लेकर के भी पार्टी सजग रही, कैसे लेकर के उसको कार्यकर्ता सजग रहे, किस तरीके से अधिकारी सजग रहे, भाई जो समस्या है उसका समाधान कैसे आएगा। अब देखिए ना कोविड नियम में कोरोना काल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार सब लोगों ने किस तरीके से। बहुत छोटा सवाल है दीपक जी, क्या निकाय चुनाव को भी बीजेपी चेहरे के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ रही है? अरे भाई हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि विकास से कोई भी सरोकार नहीं है, विकास से कोई भी सरोकार नहीं है। दीपक जी बात तो तरुण जी बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो आने दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकासों की योजना पहुंचाने का काम किया है, जो एक विकास की यात्रा लगातार अंतिम पायदान तक पहुंची है, तो विकास के साथ है। जो उत्तर प्रदेश का वातावरण था, जो कानून व्यवस्था का वातावरण था, अब इसको बदलने का काम किया, हम तो उसके साथ है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर हम उनके चेहरे पर रहेंगे, इसीलिए समाजवादी पार्टी सवाल भी उठा रही है। मैं यहाँ पर अरविंद जी का रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी हमने तमाम पार्टियों को सुना और ऐसे में अगर अभी तक वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो लगातार बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों की समस्याएं जरूर बनी हुई है, हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि चेहरे पर निकाय चुनाव नहीं हो रहे, विकास के नाम पर ही निकाय चुनाव है। तरन्नुम जी देखिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता में न रहा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। मेरा मानना है कि प्रदेश की जनता जो है कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन करती है एक सरकार से दूसरी सरकार का, और मेरा यह भी मानना है कि चुनाव को केवल जो है डेवलपमेंट ही प्रभावित नहीं करता है, चुनाव को जो है कानून व्यवस्था भी प्रभावित करता है,
चुनाव को राष्ट्रीय फलक के जो मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, भले ही उस पर जो है मनन चिंतन करने वालों का जो है दायरा छोटा हो, 1% हो, 2% हो, लेकिन उस पर जो है बहुआयामी तरीके से जो है जनता जो है सोचती है, विचार विमर्श करती है। बेशक जो है चुनाव में जो है चेहरा जो है महत्वपूर्ण होता है और उस चेहरे के आधार पर भी जो वोट पड़ते हैं, विकास के साथ साथ उस पर भी वोट पड़ते हैं और मूलतः जो है करीब 30-35 ठीक वसीदा ठीक ठीक हाँ ठीक वसीदा सुधांशु जी का रुख करे तो सुधांशु जी साफ तौर पर अरविंद जी का कहना है कि चेहरा मायने रखता है, चाहे वो चुनाव कोई भी हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, चेहरा मायने रखता है। हिमांशु जी देखिए, चेहरा जिस निकाय का चुनाव है, अब उस निकाय में मेयर पद पे पिछले अगर व्यक्ति ने काम नहीं किया है तो एकदम इसका इशू होगा। चेहरा इस तरह मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश की जनता इस तरह, मतलब इस प्रदेश की जनता काफी समझदार है, वो समझती है कि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी जी तो काम करने आएंगे नहीं, ना ही इसका उससे निकाय चुनाव में अगर इनके मतलब जो इससे पहले पदों पर रहे हैं जिन पालिकाओं में कब्जा रहा है, जनता ने बखूबी देखा कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। कम से कम लखनऊ के संदर्भ में तो ये तो 100% श्योर है कि पूरी जनता उभी हुई है। इसी तरह अन्य नगर निगमों में भी आज जगह यही है कि भाजपा के लोगों ने केवल कॉपी किया अपने बड़े नेताओं को, केवल बचोलेबाजी करो, यहाँ से वहां केवल ज्ञान दो और उसी नाम पर वोट मिल जाएंगे। सुधांशु जी, यानी कि आपके हिसाब से सीएम योगी को मैदान में नहीं उतरना चाहिए था, उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था, अखिलेश यादव को प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था। प्रदेश नहीं, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश में इतनी बुरी कानून व्यवस्था की स्थिति है, इतनी बुरी स्थितियां हैं, हर मोर्चे पर प्रदेश फेल है और सीएम के पास इतना वक्त है कि वो नगर निगम में ये कह रहे हैं कि हमारे नाम पर वोट दो। अरे ये कहिए ना कि काम के नाम पर वोट दो, हमारे नाम पर क्या होता है? आप कहिए कि अगर आप पे अगर हिम्मत है, नैतिकता है, तो कहिए कि अगर आप नगर निकाय में आपके पिछले अध्यक्ष ने, पिछली समिति ने अगर काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। ये कहने की हिम्मत हो तब तो कहे। अब हमारे नाम पर वोट दीजिए, इसका मतलब आपको मालूम है कि आपके लोगों ने कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर आपने कुछ नहीं किया है। तब नाम पर वोट दे दो, जाति पर वोट दे दो, धर्म पर दे दो, क्षेत्र पर दे दो, नफरत के नाम पर दे दो। ठीक मैं सीधा चंचल जी का रुख कर लेती हूँ। चंचल जी, साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से ठीक है सुधांशु जी, वक्त की बेहद कमी है, चंचल जी के पास जाऊंगी। चंचल जी, साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, लेकिन देर से सही, लेकिन अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे। बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि देखा देखी हो रहा है सब। नहीं, देखिए मैं तरुणजा बताऊं, मुख्यमंत्री जहां भी प्रोग्राम किए विकास का बी भी नहीं बोलना चाहूंगी और केवल अतीक मुख्तार अतीक मुख्तार। आप बताओ क्या चुनाव या नगर निगम के लॉ एंड ऑर्डर को लेके या तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा इसका होना चाहिए, होता है क्या? लॉ एंड ऑर्डर आता है नगर निगम के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल, उनके पास विकास कुछ किया नहीं उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जो है केवल लॉ एंड ऑर्डर चिल्लाए पड़े। वो भी लॉ एंड ऑर्डर में इतना बड़ा फेलियर, एक गवाह जो जिसकी जान तक सरकार नहीं बचा पाई, पूरे उसने गुहार लगाता रहा कि मेरी सुरक्षा की दृष्टि से मेरी जो हत्या हो सकती है वो नहीं बचा पाई, और सरेआम एक अपराधी को खत्म करने के लिए पूरी सरकार अपराधी बन गई, पूरी सरकार के क्या नाम चरित्र पर सवाल उठा कि सरकार क्या कर रही है। अब बताओ एक अपराधी, तीन गुंडे आते हैं सरेआम, ठीक है चंचल जी जवाब ले लेते हैं, दीपक जी जवाब दीजिएगा, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, नगर निगम साबित हुई है, समाजवादी का कहना है, जवाब दीजिएगा। देखिए चंचल भाई को शायद ये भी याद होगा कि 2015 के अंदर जब विक्की त्यागी की मजिस्ट्रेट कार्यालय में जज के सामने हत्या कर दी गई थी, तब कानून व्यवस्था कहा गई थी? जब एक मंत्री के भैंस को ढूंढने के लिए पूरी कानून व्यवस्था लग जाती, तब कानून व्यवस्था कहा गई? अरे हमारी सरकार में भैंसे भी मिल जाया करती थी, आप क्या तो मणिराम पाटीदार ठीक है, दीपक जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपके पास। उत्तर प्रदेश की अंदर तो मैं जानता हूँ कि जनता परफॉर्मेंस के आधार पर तय कर रही है, जो उत्तर प्रदेश को जनता ने योजनाओं से जोड़ने का काम किया, जनता जनादर जानती है और विकास की योजनाएं लगातार जैसे अंतिम पायदान पर पहुंची है। ठीक, वक्त की बेहद कमी है, आप चारों हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना बेहद कीमती वक्त दिया है, और ऐसे में निकाय चुनाव का ये रन आप देख रहे हो और लगातार पहले चरण का मतदान जो है वो जारी है, सुबह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मत अधिकार का इस्तेमाल कर, ऐसे में हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं, घर से बाहर निकलिए और अपने इस लोकतंत्र के पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। और इस निकाय चुनाव पर इंडिया न्यूज का महा कवरेज भी जारी है।